नमस्कार, दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। कर्नाटक में आखिरकार 12 दिन से जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा था वो कुमारस्वामी सरकार के अंत के साथ ही खत्म हो गया। आखिरकार वही हुआ जो पहले से कहा जा रहा था कि एचडी कुमारस्वामी और कांग्रेस अपनी गठबंधन सरकार नहीं बचा पाएंगे। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा था क्योंकि सामान्य बहुमत वाली सरकार को अगर उसके 16-17 विधायक छोड़कर चले जाएं और वापस आने को तैयार ना हो तो फिर सरकार का बचना नामुमकिन हो जाता है। पिछले 12 दिन से कुमारस्वामी इसी उम्मीद में कुर्सी से चिपके थे कि आज नहीं तो कल कांग्रेस और जेडीएस जोर लगाकर अपने बागी विधायकों को मना लेगी और उनकी सरकार बच जाएगी। इसी उम्मीद में विश्वास मत को पिछले हफ्ते से टालते टालते आज के दिन तक खींच लाए। विश्वास मत पर वोटिंग को टालने के लिए लंबे लंबे भाषण हुए लेकिन यह टाइम पास भी कुमारस्वामी सरकार को बचा नहीं पाया। आज आखिरकार विश्वास मत पर स्पीकर को वोटिंग करानी ही पड़ी। ये मजबूरी भी थी क्योंकि विश्वास मत को लटकाए रखने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। वहां भी स्पीकर को यह कहना पड़ा कि विश्वास मत पर आज वोटिंग हो जाएगी और जब वोटिंग हुई तो यही पाया गया कि कुमारस्वामी और कांग्रेस अब तक अल्पमत की सरकार चला रहे थे। सरकार के पास नंबर नहीं थे। अंत में विश्वास मत पर वोटिंग के नतीजे से ये साफ हो गया और इस नतीजे के आउट होते ही कुमारस्वामी भी सरकार सत्ता से आउट हो गई। कर्नाटक में पिछले 12 दिन में जो भी हुआ और खास तौर पर जब से विश्वास मत प्रस्ताव आया तब से जो हुआ उसमें विधानसभा अध्यक्ष के जरिए नियमों का नाम लेकर कुमारस्वामी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया ताकि किसी तरह से उनकी सरकार बच जाए। इसी वजह से विश्वास मत प्रस्ताव पर इस तरह देर की गई जो हाल फिलहाल में किसी दूसरे राज्य में देखी नहीं गई है। जबकि यह साफ साफ दिख रहा था कि कर्नाटक में सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसे जबरन सरकार चलाना कहा जा सकता था क्योंकि जब नंबर सामने आए तो यही दिखा कि सरकार 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। आज कर्नाटक विधानसभा में 204 विधायक थे जिनमें बहुमत का आंकड़ा 102 होता है लेकिन गठबंधन के पक्ष में सिर्फ 99 वोट पड़े जबकि बीजेपी के पक्ष में 105। और अब कांग्रेस और जेडीएस कह रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी सरकार गिरा दी और ये लोकतंत्र की हत्या है जबकि बीजेपी इसे गठबंधन सरकार के कर्मों का फल बता रही है। कर्नाटक में बीजेपी के ऑपरेशन कमल की कामयाबी पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं ये आपको दिखा देते हैं। वी आर ऑलवेज टेलिंग इट इज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, इट इज प्रूव्ड टुडे एंड कुमारस्वामी हैज टू रिजाइन एंड ही लॉस्ट द मेजॉरिटी, सो इट इज डेफिनेटली विक्ट्री फॉर द डेमोक्रेसी। गत 14 महीने से जो सरकार इन्होंने ठीक से नहीं चलाया, कोएलेशन हमारा भी कोएलेशन है लेकिन हमारा कोएलेशन मोदी जी हेड कर रहे हैं और कहीं राज्यों में है। अच्छा तरीके से अंडरस्टैंडिंग से हमारा सरकार ऐसे चला रहा है। यहाँ के हर दिन झगड़ते थे लेकिन इससे ज़्यादा इनका आपस का जो अंडरस्टैंडिंग था, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हुआ। हर दिन झगड़ते रहे, ये बहुत नाराज़ हो गए थे लोग। इस कारण से 20 विधायक ये वोट से बाहर रहे, इसके कारण से गवर्नमेंट गिर गया है। सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी और इसलिए सरकार को मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता विधायक दल अब बैठकर चर्चा करेंगे और पार्टी कर्नाटक के हित में जो भी कदम होगा, कर्नाटक के हित के लिए जो भी उचित कदम उठाने की आवश्यकता है उस कदम पर विचार करके बहुत जल्द फैसला करेगी जिसका हमें इंतजार है। बीजेपी के लिए यह बड़ा दिन है क्योंकि आज से 14 महीने पहले वो कर्नाटक में जीत कर भी हार गई थी। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो सत्ता से बाहर ही रही क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस ने अचानक एक साथ मिलकर बीजेपी को रोक दिया और गठबंधन की सरकार बना ली। लेकिन 23 मई 2018 का वो दिन है और 23 जुलाई 2019 का आज का दिन है, गठबंधन सरकार सिर्फ 14 महीने चल पाई। ये वही गठबंधन सरकार है जो बड़ी उम्मीदों के साथ बनाई गई थी। इन उम्मीदों में 2019 का लोकसभा चुनाव भी था लेकिन लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की बुरी तरह से हार हुई और 28 लोकसभा सीटों में से उन्हें सिर्फ एक सीट ही मिली जबकि बीजेपी को बम्पर 26 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस और जेडीएस के मतभेद को और बढ़ा दिया जिसमें पहले से ही बहुत खींचतान चल रही थी। कुमारस्वामी खुद ही सार्वजनिक मंच पर बार बार रो रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक उनके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाते हैं।
लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये टकराव कंट्रोल से बाहर हो गया। नाराज विधायक उन्हें छोड़कर जाने लगे और ये सब इसीलिए भी हुआ क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व खुद दिशाहीन हो चुका था। राहुल गांधी इस्तीफा देकर चले गए थे और उसके बाद अब तक कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई है। जब इस तरह के हालात हों तो फिर किसी और को दोष देना कितना उचित है, ये बहुत बड़ा सवाल है। 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे और वो ऐसा जनादेश था जिसके झटके विपक्ष को अब तक महसूस हो रहे हैं, खास तौर पर कांग्रेस को, क्योंकि राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो अब कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार गिर गई है। कर्नाटक उन 6 राज्यों में एक है जहां कांग्रेस सत्ता में थी। अब कांग्रेस के सिर्फ 5 राज्य बचे हैं जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के रूप में सिर्फ 3 बड़े राज्य हैं। इनमें भी मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर कांग्रेस पर संकट रहा है क्योंकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आई थी। इसमें खास तौर पर मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस का संकट बड़ा है। वहां पर कमलनाथ सरकार उसी तरह के सामान्य बहुमत पर चल रही है जिस तरह का सामान्य बहुमत कर्नाटक में था, और जिस सामान्य बहुमत में ही कुछ विधायक इधर उधर होने पर कर्नाटक की सरकार गिर गई। SP BSP के 3 और 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। अब ऐसा मुमकिन दिख रहा है कि BS येदियुरप्पा कर्नाटक में अगली सरकार बनाएंगे और अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। 2018 के चुनाव के बाद येदियुरप्पा सत्ता में आने से चूक गए थे, लेकिन 14 महीने बाद उनकी किस्मत का कमल खिला। हालांकि लोकसभा चुनावों से पहले ही जब कर्नाटक में संकट उभर कर सामने आया था, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि क्या BS येदियुरप्पा वहां पर किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से वहां पर सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि कुमारस्वामी बार बार सार्वजनिक मंच से इस तरह की के संकेत देने में कोई कोताही नहीं बरत रहे थे कि उनकी जो गठबंधन है वो ठीक से चल नहीं रहा है। लेकिन लोकसभा चुनावों तक शांति बरती गई, लोकसभा चुनावों का नतीजा एक बार सामने आ गया तो सामने के गठबंधन में दरार, और इसके साथ ही उनको जिस तरह से छोड़ छोड़ कर सब जा रहे थे ये स्पष्ट होता गया कि ये चेहरा जो हम आपको दिखा रहे थे, येदियुरप्पा, मुमकिन है अगली सरकार कर्नाटक में इन्हीं की हो। वैसे यहां पर यह बताना जरूरी है कि कर्नाटक में राजनीतिक अस्थिरता का पुराना इतिहास रहा है। कर्नाटक राज्य के गठन से लेकर अब तक सिर्फ 2 मुख्यमंत्री ही 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। इनमें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले CM देवराज उर्स थे जो 1972 से 77 तक CM रहे। इसके 40 साल बाद सिद्धरमैया दूसरे CM थे जिन्होंने 2013 से 2018 तक अपना कार्यकाल पूरा किया था। कर्नाटक की राजनीतिक अस्थिरता ऐसी है कि पिछले 20 साल में 5 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 10 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। पिछले 20 साल में गठबंधन की 3 सरकारें कर्नाटक में बनी जिनमें JDS हमेशा रही और वो सरकारें कभी अपने पूरे कार्यकाल तक नहीं चल पाई। अब गठबंधन की 4थी सरकार भी गिर गई। खबरदार में अब हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस झूठ की एक एक पोल खोलेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा झूठ बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी सीरियल लायर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो झूठ बोला है उसमें वो फंस गए हैं और साथ में उन्होंने अपने देश अमेरिका को भी फंसा दिया है। इस बार उन्होंने भारत के नाम पर झूठ बोला है, भारत के प्रधानमंत्री के नाम पर झूठ बोला है, और वो भी कश्मीर को लेकर। पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर को लेकर भारत की एक ही नीति है और वो ये कि भारत को कश्मीर के मामले में दुनिया का कोई भी दखल किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये झूठ बोला कि कश्मीर के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 हफ्ते पहले उनसे बात की थी और ये कहा था कि क्या वो इस मामले में मध्यस्थता करना चाहते हैं। अब ऐसी कोई बात भारत खुद करेगा, ये पहली ही सीधी नजर में सीधा सीधा झूठ लगता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कल ये सफेद झूठ बोलने में हिचके नहीं। कल वो आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनसे बात कर रहे थे। पहले आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कहा था जिस पर अमेरिका से लेकर भारत तक हंगामा मच गया। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago. And we talked about this subject, and he actually said, would you like to be a mediator or arbitrator? I said, where? He said, Kashmir. Because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. Long. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe. Two
incredible countries that are very, very smart with very smart leadership can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने तब कही जब उनके सामने इमरान खान एक तरह से गिड़गिड़ा रहे थे कि ट्रंप भारत को मनाए कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करे। इन्हीं बातों के झोंके में ट्रंप ये बोल गए कि दो हफ्ते पहले तो पीएम मोदी की उनसे बात हुई थी और उन्होंने ट्रंप से खुद कहा था कि क्या कश्मीर के मामले में वो बीच बचाव करना चाहेंगे। अब ट्रंप ये बात बोल तो गए लेकिन एक घंटे के अंदर ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक तरह से ट्रंप को झूठा बताते हुए जवाब दे दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इस मामले पर जब विपक्ष ने हंगामा मचा दिया तब संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जवाब दिया। आई वुड लाइक टू कैटेगोरिकली अश्योर द हाउस दैट नो सच रिक्वेस्ट हैज बीन मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द यूएस। आई रिपीट नो सच रिक्वेस्ट वाज मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द यूएस प्रेसिडेंट। आई वुड सर ऑल्सो रिटरेट that it has been India's consistent position that all outstanding issues with Pakistan are discussed only bilaterally. I would further underline that any engagement with Pakistan would require an end to cross-border terrorism. Sir, let me conclude by emphasizing that the Shimla Agreement and the Lahore Declaration provide the basis to resolve all issues between India and Pakistan bilaterally. I hope in the view of my very specific and categorical responses that there is no confusion in the mind of anybody on this. भले ही केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो यह भारत की क्लियर कट पॉलिसी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी बात में तीसरा पक्ष नहीं होगा। कश्मीर के मामले में किसी दूसरे को टांग अड़ाने की इजाजत नहीं है फिर चाहे वो दुनिया की कितनी ही बड़ी ताकत क्यों ना हो। और यह नीति पिछले 70 साल से चल रही है। इस मामले में भारत ने 1947 में अंतर्राष्ट्रीय धोखा खाया था क्योंकि 1947 में बंटवारे और आज़ादी के 2 महीने के अंदर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। 7 दिन बाद भारतीय सेना कश्मीर पहुंची थी और उसने पाकिस्तानी हमलावरों को भगाना शुरू किया। जब कश्मीर में पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ा जा रहा था तब संघर्ष विराम करने की भूल हो गई। युद्ध विराम की घोषणा होने से पाकिस्तान को पीओके पर कब्जा जमाए रखने का मौका मिल गया और इसी बीच एक और बड़ी भूल ये हुई कि तब भारत सरकार इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जीवनी में वरिष्ठ लेखक शंकर घोष ने लिखा था कि पहली बार लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने और जनमत संग्रह करवाने की सलाह पाकिस्तान के तत्कालीन नेता मोहम्मद अली जिन्नाह को दी थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1 नवंबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात में उन्हें यह सुझाव दिया था। इत्तेफाक ये रहा कि इसी के अगले दिन 2 नवंबर 1947 को पंडित नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर कश्मीर में जनमत संग्रह का ऐलान कर दिया था। उस दौर में तमाम अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की नीयत में खोट था। इन ताकतों ने भारत की भूल का फायदा उठाया और ये बात भारत को बाद में समझ आई। उस वक्त हमलावर पाकिस्तान की करतूतों को देखकर जनमत संग्रह करवाना बेमतलब था इसीलिए भारत ने बाद में कह दिया कि जब बंदूक का ही जोर चलना है तो फिर दूसरी बातों का कोई अर्थ नहीं। इसके बाद से भारत ने हमेशा इस मामले में साफ कहा कि दुनिया कश्मीर के मामले से दूर ही रहे। इसके बाद 2 बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने कश्मीर के मामले में दुनिया के दखल की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये घटनाएं हैं 1971 के युद्ध के बाद 1972 का शिमला समझौता और 1999 का लाहौर घोषणा पत्र। ये 2 समझौते हैं जिन्होंने ये तय किया कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत में कोई मध्यस्थ या तीसरा पक्ष नहीं होगा। जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मामलों की बात होगी तो दोनों देश बैठकर आपस में तय कर लेंगे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के सरेंडर के बाद शिमला समझौता हुआ था। जब 3 जुलाई 1972 को शिमला में भारत और पाकिस्तान के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे कि भविष्य की किसी बातचीत को आपस में ही सुलझाएंगे, बातचीत के बीच किसी तीसरे देश को लेकर नहीं आएंगे। इसके बाद 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऐतिहासिक लाहौर दौरे पर गए थे और इसी में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर घोषणा पत्र के जरिए सहमति जताई थी कि दोनों देशों के बीच जम्मू कश्मीर सहित सभी द्विपक्षीय मामलों को आपस में ही हल किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। तब से 2.5 साल बीत चुके हैं और इन 2.5 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने दिन प्रतिदिन झूठ बोलने के नए नए रिकॉर्ड बनाए।
अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के झूठ का बाकायदा कैलकुलेशन किया, जिसमें ये पाया गया कि ढाई साल के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप 10,796 झूठ बोल चुके हैं। ट्रंप ने 26 अप्रैल को 10,000 झूठ बोलने का आंकड़ा पार किया था। इसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी झूठ बोलने की स्पीड और बढ़ा दी। पहले वो रोजाना 12 झूठ बोलते थे, अब वो रोजाना 17 झूठ बोलते हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप इतने झूठ बोलते हैं कि अब उनके झूठ गिनना बंद कर देना चाहिए। आखिर कहां तक उनके झूठ गिने जाएं? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने वाली मशीन बन चुके हैं, उसमें कश्मीर को लेकर उनकी बात पर कौन भरोसा कर सकता था, वो भी तब जब इसे लेकर भारत की एकदम साफ नीति। विपक्ष भले ही ट्रंप के झूठे दावे के बहाने पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है, लेकिन इनमें शशि थरूर जैसे नेता भी हैं जिन्होंने साफ कहा कि भारत ऐसी कोई बात बोल ही नहीं सकता। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र में भी रह चुके हैं, वो डिप्लोमेसी को समझते हैं और इसीलिए दूसरे नेताओं जैसी बातें नहीं कर रहे। श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको ओसाका में ये कहा था कि कश्मीर मुद्दे के ऊपर वो आकर भारत और पाकिस्तान के बीच पंचायती करें, ये भारत की एकता। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ट्रंप को पता नहीं खुद कि क्या वो बोल रहा है, और मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय विषय जो है मेरे ख्याल में वो ठीक तरह समझा नहीं, किसी ने उसको ब्रीफिंग नहीं दिया। ये नामुमकिन है कि मोदी ऐसे पूछ सकता है किसी और को, क्योंकि हमारे देश की पॉलिसी बहुत क्लियरली साबित हुआ बहुत साल पहले कि हमें कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान से बात करनी है तो हम डायरेक्टली कर देंगे, क्योंकि हमारे आपस में क्या कठिन है, भाषा भी एक ही है, बोल सकते हैं। तो ये नहीं चाहते हम कि कोई और आके उनके पॉलिसीज लेके आए, हम तो बीच में आपस में सीधे बोलेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय भी इस मामले की संवेदनशीलता को समझ रहा है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मीटिंग के बाद व्हाइट हाउस ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें कश्मीर की कोई बात नहीं है, उल्टे पाकिस्तान से आतंकवाद पर रोक लगाने को कहा गया। अमेरिकी संसद के विदेश मंत्रालय की समिति के अध्यक्ष एलियट एंजल ने अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्ष श्रृंगला से बात की और बताया कि कश्मीर पर अमेरिकी रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। समिति ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा कि कश्मीर पर बातचीत को सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही तय कर सकते हैं और बातचीत के लिए पाकिस्तान को पहले आतंकी अड्डों को खत्म करना होगा। अमेरिकी सांसद ब्रैड शर्मन ने भी भारतीय राजदूत से माफी मांगी और ट्विटर पर लिखा कि जो भी दक्षिण एशिया में विदेश नीति के बारे में कुछ भी जानता है उसे पता है कि भारत कश्मीर पर तीसरे पक्ष के दखल के खिलाफ है। सभी को पता है कि पीएम मोदी ऐसी बात नहीं करेंगे। ट्रंप का बयान बचकाना और भ्रामक है, ये शर्मनाक है, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा कि कश्मीर एक विपक्षीय मुद्दा है। ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी बातचीत का स्वागत करेगा और वो इसके लिए मदद करने को तैयार है। ट्रंप ने पिछले साल भी कहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान से झूठ और धोखे के सिवाय कुछ नहीं मिला। ऐसे में कश्मीर पर ट्रंप के झूठ के पीछे अमेरिकी चाल भी हो सकती है, जिसके तहत वो अफगानिस्तान में तालिबान से सुलह करने में पाकिस्तान की मदद लेना चाहता है। 26 जुलाई को करगिल में भारत की विजय के 20 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए पूरा देश करगिल युद्ध में अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को सलाम कर रहा है और करगिल विजय की शौर्य गाथाओं को याद कर रहा है। करगिल युद्ध में भारतीय सेना के शौर्य की कई कहानियां आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको करगिल के उन अज्ञात हीरोज से मिलवाएंगे जिन्होंने भारतीय सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर करगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों की कमर तोड़ दी थी। आपने ये तो सुना होगा कि करगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों की मौजूदगी को सबसे पहले एक भारतीय गरड़िये ने देखा था, लेकिन वो गरड़िया कौन था आप नहीं जानते होंगे। आपने ये तो सुना होगा कि जांबाज भारतीय सैनिकों ने कैसे करगिल की पहाड़ियों को दुश्मन के हाथों से आजाद करवाया, लेकिन क्या आप उस चाय वाले के बारे में जानते हैं जिसने पूरे युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को खाना खिलाया? आपने करगिल युद्ध में रिपोर्टिंग करते पत्रकारों की हिम्मत की तारीफ की होगी, लेकिन क्या आप उस होटल मालिक के बारे में जानते हैं जिन्होंने भयंकर गोलीबारी के बीच पत्रकारों को सिर छिपाने की जगह देने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी? करगिल विजय के ये वो अनदेखे चेहरे हैं जिन्होंने बिना कोई गोली चलाए कमाल कर दिया था। 20 साल पहले करगिल युद्ध को कवर कर चुके आज तक संवाददाता अशरफ वानी करगिल विजय के इन अज्ञात हीरोज से मुलाकात की इच्छा लेकर करगिल के सफर पर गए थे। उनका एक ही मकसद था कि देश उनकी जुबानी करगिल विजय की कहानियों को सुन सके। 11,000 फीट की ऊंचाई तक जाकर तैयार की गई ये वीडियो रिपोर्ट करगिल विजय के ऐसे ही अज्ञात हीरोज की सच्ची कहानियों पर आधारित है। हमारी अपील है कि करगिल विजय के इन अज्ञात हीरोज से आप एक बार जरूर मिलें। छह
26 मई 1999 को जब पहली बार मीडिया इस कस्बे में आया जिसमें मैं भी शामिल था, तो पूरा कस्बा खाली था। वो दौर तो कभी नहीं भूल सकेंगे, वो दौर तो कभी नहीं आना चाहिए। उस टाइम तो जिस बम आता था पेड़ भी यूं उछलता था। मंगलवार 7:45 बजे है और भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर डायरेक्ट अटैक यानी कि सीधा हमला बोल दिया है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स और बोफर्स गन के जरिए टाइगर चोटी की आखिरी लड़ाई आज शुरू हो गई है। अगर पीछे देखें जितनी भी पहाड़ियां हैं, ये कारगिल युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। करगिल युद्ध को 20 साल पूरे हो गए। दरअसल हम आज उस गांव में लौट आए हैं जहां सबसे पहले जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय इलाके में घुस आए हैं। ट्रक के बीच में कोई रास्ता जैसा नजर आया मेरे को, रास्ता जैसा, तो बाएं से मैंने देखते गया तो बंजू टॉप 5-6 बंदे था, हरकत कर रहा था, बर्फ भर रहा था, पत्थर डोल रहा था। यहाँ से सारी कवरेज जितने भी युद्ध की जो रिपोर्टें जाती थी पूरे वर्ल्ड, तो इसी होटल से जाती थी सर। 10,800 फीट की ऊंचाई पर कश्मीर का द्रास कस्बा, ये दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है जहां आबादी बसती है। लेकिन आज से 20 साल पहले करगिल युद्ध के दौरान द्रास का ये बाजार ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों के सीधे निशाने पर था। आज तक संवाददाता अशरफ वानी जब यहाँ पहुंचे तो उनके जहन में 20 साल पुरानी बातें ताजा हो गई, मानो कल की ही बात। छब्बीस मई 1999 को जब पहली बार मीडिया इस कस्बे में आया जिसमें मैं भी शामिल था, तो पूरा कस्बा खाली था। मात्र यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो सड़क पर नजर आया, उससे हम आज मिलने की कोशिश करेंगे 20 साल बाद। करगिल युद्ध के दौरान द्रास कस्बे ने क्या झेला और 20 सालों में कितना बदलाव देखा, ये नसीम से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। नसीम 35 सालों से द्रास कस्बे के बाजार में चाय की दुकान चलाते हैं। जब करगिल युद्ध अपने चरम पर था तब नसीम इस कस्बे में अकेले सिविलियन बचे थे। देश के वीर जवान युद्ध पर जाने के रास्ते में रुककर उनकी इसी दुकान पर खाना खाया करते थे। वो दौर तो कभी नहीं भूल सकेंगे, वो दौर तो कभी नहीं आना चाहिए। उस टाइम तो जिस टाइम बम आता था पेड़ भी यूं उछलता था। यहाँ तो आबादी बहुत रहती है, पूरा खाली हुआ था, लेकिन आप अकेले जो है यहाँ पर रुक गए थे। सीओ साहब वही के थे, देहरादून के गढ़वाली, उन्होंने मेरे को रोका कि आप यहीं रुक जाओ, ये हमारे फौजी आते हैं, इन्हें खाना खिलाओ। यहाँ जो भी गाड़ी आती थी इनकी मेरे होटल पे आते थे, चाय खाना खाते थे, वह जाते थे। 20 साल बाद करगिल युद्ध की पहाड़ियों को देश के जहन में ताजा करने के लिए आज तक संवाददाता अशरफ वानी 20 साल बाद एक बार फिर उसी रास्ते पर निकले थे जिनसे वो 20 साल पहले करगिल युद्ध के दौरान गुजर चुके थे। 20 साल पहले 26 मई 1999 की वो तारीख थी जब पहली बार देश को पता चला कि करगिल में युद्ध हो रहा है। दरअसल वो तारीख तब थी जब पहली बार भारतीय सेना ने पत्रकारों को करगिल जाने की इजाजत दी थी। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की एक बस कुछ गिने चुने पत्रकारों को लेकर करगिल के लिए अलाउ की गई, जिसमें मैं भी एक पत्रकार था। ये रास्ता जो करगिल और लद्दाख क्षेत्र को देश से जोड़ता है, ये सर्दियों में हमेशा बंद रहता है और उस साल भी अप्रैल में ही करीब 6 महीने के बाद इस सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया था। लेकिन इस सड़क पर सेना के वाहनों की आवाजाही की इजाजत नहीं थी। खूबसूरत वादियाँ, ये ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियाँ और कल कल बहती सिंधु नदी की धारा। 20 साल पहले धरती के स्वर्ग को पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी जब लहूलुहान करने में जुटे थे, उनके निशान 20 साल बाद भी कश्मीर के सीने पर दर्ज हैं। तिब्बत की पहाड़ियों से निकलकर सिंधु नदी लद्दाख के बीचों बीच गुजरकर बटालिक सेक्टर में यहीं पर पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो जाती है और यहीं पर भारतीय सेना का आखिरी पोस्ट भी है। अगर पीछे देखें जितनी भी ये पहाड़ियां हैं, ये पाकिस्तानी कब्जे में आती हैं और वहीं पर करगिल युद्ध के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। करगिल युद्ध से पहले ये इलाका बिल्कुल छोड़ दिया गया था बिना किसी सुरक्षा के, ना ही पाकिस्तान की सेना यहाँ पर तैनात होती थी, ना ही भारतीय सेना। लेकिन करगिल युद्ध के बाद अब इस सीमा पर भी जगह जगह पर
भारत के पोस्ट्स के साथ साथ पाकिस्तानी इलाके में पाकिस्तानी सेना के भी पोस्ट लगे हुए हैं। करगिल युद्ध की यादों को ताजा करने के लिए आज तक की टीम ठीक उसी रूट के सफर पर निकली जिस पर उसने करगिल युद्ध की रिपोर्टिंग के दौरान अपने कदम आगे बढ़ाए थे। इस सफर का अगला पड़ाव था बटालिक सेक्टर का गांव गारकुंड। हम आज उस गांव में लौट आए हैं जहां सबसे पहले जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय इलाके में घुस आए हैं। ये गांव जो है गारकुंड नाम से है, सिंध के किनारे पर आबाद है। यहां के ही एक चरवाहे ने सबसे पहले ये खबर दी थी भारतीय सेना को कि पाकिस्तानी घुसपैठिए भारतीय इलाके में घुस आए हैं। इस गांव में रहने वाले ताशी वो पहले शख्स थे जिन्होंने ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ को देखा था। ताशी 2 मई 1999 का वो दिन कभी नहीं भूल सकते। ये 99 मई 2 को मैंने रिपोर्ट दिया था। मेरा एक शक था, वो गुम हुआ था। मैं शक को ढूंढने के लिए गया था। बर्फ के बीच में कोई रास्ता जैसा नजर आया मेरे को, रास्ता जैसा, तो बाएं साइड में मैंने देखते गया तो बंजू टॉप, वहाँ 6 बंदे था, हरकत कर रहा था, बर्फ भर रहा था, पत्थर डोल रहा था। तो लगभग मैं वहाँ 10 मिनट तक रुका, फिर मैं वापस आया तो हमारे इस गांव का थोड़ा एक आगे जो सूर्य नाले जाने का एक ब्रिज है, वहाँ कोई 3 पंजाब का 4-5 जवान बैठा था, वहाँ मैं जाके रिपोर्ट दिया। ताशी को आज भी अच्छी तरह याद है कि किस तरह भारतीय सेना ने उनकी जानकारी को गंभीरता से लिया था और वो खुद भारतीय सैनिकों को उस जगह लेकर गए थे जहां पाकिस्तानी सैनिक छिपे बैठे थे, जिसके ठीक 18 दिन बाद लड़ाई शुरू हो गई थी। लेकिन ताशी को इस बात का दुख भी है कि उन्हें उनके हिस्से का सम्मान नहीं मिला। तो हमारे पास तो मीडिया वाला आता है पूछने के लिए, लेकिन मेरे अवार्ड के बारे में कोई सोचता नहीं, ना मेरे को भी मिला, ना गाँव वालों को मिला, किसी को नहीं मिला। मैंने तो देश बचा हुआ है। हाँ, मुझे बहुत अफसोस है, मैं दुखी। करगिल शहर के मुख्य बाजार का ये वो सियाचिन होटल है जो 20 साल पहले करगिल युद्ध की रिपोर्टिंग के लिए देश दुनिया से आने वाले पत्रकारों का इकलौता ठिकाना हुआ करता था। उन दिनों 1999 में यहाँ करगिल की सिचुएशन ही अलग सी थी। कोई होटल नहीं था खुला, लोग नहीं थे यहाँ पर, पूरा करगिल मार्केट सारा खाली था। तो उन दिनों हमारे पास कुछ मीडिया वाले आए, उन्होंने कहा कि यार यहाँ जगह नहीं मिल रही है, कैसे भी आप हमारे लिए कुछ अकोमोडेशन का अरेंज कर ले। उस दिन हमने काफ़ी कॉपरेट किया, लगभग एक महीना हमारे पास प्रेस रिपोर्टर सारे बैठे हुए थे और यहाँ से सारी कवरेज जितने भी युद्ध के जो रिपोर्टें जाती थी पूरे वर्ल्ड, तो इसी होटल से जाती थी सर। करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों ने करगिल और द्रास की ज्यादातर पहाड़ियों की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। तब करगिल और द्रास कस्बे पाकिस्तानी सेना के टारगेट पर थे और जंग का सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं कस्बों ने झेला। लेकिन करगिल युद्ध के 20 साल बाद करगिल और द्रास पाकिस्तान की उस कायराना हरकत के जख्मों से उबर चुके हैं। 20 साल पहले दुनिया की नजरों से दूर रहने वाला करगिल अब दुनिया भर के पर्यटकों से गुलजार रहता है और करगिल उनका बाहें फैलाकर स्वागत करता है। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामोनिशान होगा। मेरे पीछे करगिल वार मेमोरियल है जो उन शहीदों की याद में बनवाया गया जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान देश के लिए अपनी जानें दी। तब से अब तक यहाँ पर हर साल सेना के अधिकारी और आम लोग भी उन सेना के अधिकारियों और अफसरों को श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं जिन्होंने करगिल युद्ध के दौरान देश को उस जंग में विजय दिलाई थी। कैमरा मैन रूफ अहमद के साथ अशरफानी, द्रास आज तक। करगिल विजय में भारतीय सेना के वीर जवानों की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा, लेकिन इस जीत में इन अज्ञात हीरोज की भूमिका को भी पहचान मिलनी चाहिए जिन्होंने भले ही सेना की वर्दी नहीं पहनी लेकिन अपने बुलंद जज्बे से दिखा दिया कि जब बात देश की आन बान शान से जुड़ी हो तो हिंदुस्तान का हर नागरिक किसी सैनिक से कम नहीं। करगिल विजय के वीर सैनिकों के साथ साथ हम ऐसे अज्ञात हीरोज को भी सलाम करते हैं। भारतीय सेना के शहीद राइफलमैन औरंगजेब तो याद होंगे आपको, आतंकवादियों ने पुलवामा में उनका अपहरण करके उनकी हत्या कर दी थी ताकि कश्मीर के नौजवान भारतीय सेना में जाने से डरें। लेकिन आतंकवादियों की बर्बरता के खिलाफ न झुकने वाले शहीद औरंगजेब की लड़ाई को अब उनके दो भाई आगे बढ़ाएंगे। औरंगजेब के भाइयों ने अब सेना की वर्दी पहन ली है और आतंकवाद के खिलाफ अपने शहीद भाई की लड़ाई को जारी रखने का ऐलान कर दिया है।
सेना में शामिल होकर शब्बीर और तारिक आतंकवादियों से अपने भाई औरंगजेब की हत्या का बदला लेना चाहते हैं। जिन्हें पंजाब रेजिमेंट में शामिल किया गया है, इन्होंने इसके लिए बाकायदा परीक्षा पास की है और कश्मीर के 11,000 में से चुने गए सिर्फ 100 नौजवानों में शामिल हैं जिन्हें सेना में भर्ती किया गया है। आतंकवादियों से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए शब्बीर और तारिक फौज में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उन्हें देश सेवा विरासत में मिली है। उनके भाई औरंगजेब ने देश की खातिर जान कुर्बान कर दी। उनके पिता मोहम्मद हनीफ भी सैनिक थे और जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से जुड़े थे। अब शब्बीर और तारिक का अपने शहीद भाई औरंगजेब की तरह सेना में भर्ती होना आतंकवादियों के मुंह पर करारा तमाचा है, जो ये सोचते हैं कि वो कश्मीर के नौजवानों का मनोबल तोड़ सकते हैं। अपने देश में बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू मुश्किल से होता है, लेकिन कनाडा से मछलियों को एयरलिफ्ट करने की खबर आई है। दरअसल कनाडा में प्रवासी मछलियां सालमन के रास्ते में चट्टान टूटकर गिर गई, इससे मछलियों को खतरा पैदा हो रहा है। उत्तरी ब्रिटिश कोलंबिया की फ्रेजर नदी में चट्टान नवंबर 2018 में ही टूटा था, लेकिन उसका पता जून 2019 में जाकर चला। चट्टान की वजह से एक झरना बन गया है जो चिनू स्टीलहेड कोहो और सालमन मछलियों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। ऐसे में अब कनाडा सरकार मछलियों को होल्डिंग पॉन्ड्स बनाकर एयरलिफ्ट करा रही है। एयरलिफ्ट कराने के दौरान मछलियों की सेहत पर नजर रखी जा रही है, इसके लिए उनके ब्लड सैंपल तक लिए गए हैं। मछलियों को एयरलिफ्ट कराने के साथ साथ ही चट्टान को खिसकाया भी जा रहा है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।